यहाँ से ब्लॉगिंग होती क्या मम्मी? अखरोट कैसे निकलता? ऑर्डर पैक हो गया। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। और ये देखो, ये अभी उठा, अंगड़ाइयाँ ले रहा है। तो हम भी अभी उठे, मैं अभी उठी हूँ। भाभी कर रही है रूम सेट। हेलो बोल दो। और मम्मा बना के आई है नाश्ता, और मैं इसके साथ बैठी हूँ नीचे। और यहाँ पे हो रही है बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। 12 बज गए हैं। बारिश हो रही है और काका पीछे पीछे घूम रहा है। क्या चाहिए, कहाँ जाने, कहाँ जाने? अभी तो उठे हो आप काकी, नीचे जाने, नीचे घूमी। एकदम मैरी भी आ गई। हमारा क्यूँ चिपाए। गंदा काका, गंदा। इतनी भोली सूरत दिखाता है ना, जब इसे कोई काम होता है ना, बड़ी भोली सी सूरत दिखाता है। और ये है बहुत तेज। लच्छे पराठा, मम्मी के लच्छे पराठे की तो इतनी तारीफ होती है, और सब लोग कहते हैं कि हमने भी बनाया। आलू पूरी बना रहे हैं फिलहाल, हम लच्छा पराठा नहीं बना रहे हैं। और हमारे लच्छे पराठे के पता कितने लोगों ने ट्राई करी रेसिपी, मतलब रेसिपी तो सिंपल सी थी, बट बहुत लोगों ने बनाई। मेरे पास बहुत कॉल्स भी आई, मैसेज भी आई कि लच्छा पराठा हमारे यहाँ भी बहुत टेस्टी बना रहा है। तो हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि मम्मी क्या रेडी करती है, लच्छा पराठा या फिर पूरी छोले, आलू पूरी। मम्मी कह रही है आलू पूरी खानी है, तो आलू मतलब आटा मैंने गूंद दिया है, आलू पूरी बनाओ। हम बनाएं? और कौन बनाएगा? खाएंगे पर बनाएंगे नहीं। आप बना दो मम्मी आज। आंटी काम कर रही है, फिर आंटी कहेंगे कि मैं आ रही हूँ व्लॉग में। हाँ आंटी मुड़ के कैमरा देख रही है, फिर कहती है घर जाके मेरे को क्यों लिया। हमसे पहले भूख लग जाती है इनको, और ये पहले खुश होता रहता है। हो गया मेरी, दे दो इसको, दे दो काके को, दे दो काके को। यहाँ से पानी आ जा रहा है, पूरे कमरे में पानी भर गया। ये मेरा पापा आएंगे ना, हमारे फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में पूरा पानी भर गया, क्योंकि ना ऊपर से हटा देते हैं सब जालियाँ वगैरह तो लगाई हुई थी, फिर भी यहाँ से पता नहीं कौन हटा देता है, किसको प्रॉब्लम होती है जाली लगने से। पानी बिना छाते के ऊपर आई हूँ मैं, फोन पे पानी चला गया। तो आलू पूरी हो चुके हैं रेडी। और गाइस, कुछ लोगों को ना पता नहीं होता कि व्लॉगिंग होती क्या है। व्लॉगिंग ये होती है कि हमें अपने डेली रूटीन सिखाने हैं, कि हम डेली में करते क्या है, क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं, मतलब कहते क्या है, मेरे को लगा थोड़ा सा कि हाँ लोग सोचते हैं कि मैं खाने की चीज़ें दिखाती रहती हूँ या ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो मन करेगा हम लोग जो करते हैं। क्या कर रहे हो भाभी? भाभी ने ये पूरी बिल्कुल वो कर दी। पहले मैं भी ऐसी खाती थी। ऑयल, अच्छा ऑयल निकाला है इसका। अच्छा तो मैं तो जो खाती हूँ वो शो करती हूँ कि हाँ हम आलू पूड़ी बना रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम होती है तो होने दो, बट उनको भी यही होता है ना कि हाँ कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या होता है, क्या होता है भाभी बता दो। इन्होंने कभी व्लॉग देखे नहीं, इन्होंने बनाए नहीं, उन्हें पता ही नहीं व्लॉग होता क्या है। एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं उनको पता नहीं है। जैसे कि मैं बहुत व्लॉगिंग देखती थी, व्लॉग करने से पहले ना व्लॉगिंग्स देखती थी, लोग जो व्लॉग बनाते थे कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे क्या, थोड़ा इंटरेस्ट होता है उसी काम में, तो हम उसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ हम कि जिस काम में हमें इंटरेस्ट हो हम वही देखना पसंद करते हैं।
तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग व्लॉग्स देखती थी, तो तभी से मैंने उसके बाद इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, अकाउंट इंस्टा का पब्लिक किया। तो लोगों को ना पता नहीं है, लोगों ने शायद जो मेरे रिलेटिव्स हैं या जो मेरे मतलब नेबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, लोग कहते पता नहीं क्या करती रहती है ना, तो वो उन्हें नहीं पता कि और भी लोग व्लॉगिंग करते हैं। चलो छोड़ो, कुछ मजाक बनाते हैं, कुछ इंटरेस्टेड लेते हैं, जो मजाक बनाने वाले होते हैं तो हम कहते हैं बनाओ मजाक, जितना मजाक बनाओगे उतना अच्छा हमें बनेगा। हाँ, तो गाइज मुझे ना सिर्फ फैमिली की सपोर्ट चाहिए, मुझे और किसी का नहीं, यहाँ की फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे इतने इतने फॉलोवर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं ना, तो जो मजाक बनाता है एंड जो जिसको प्रॉब्लम है मेरे व्लॉग से, तो वो रहो जैसा उनको ठीक लगे, मजाक बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है कोई मजाक बनाता है। मुझे ना टॉन्ट बहुत पसंद है, मुझे ना ऐसे ऐसे कोई टॉन्ट मारे कि हाँ ये वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वही चीज़ करना पसंद करती हूँ। अब मैं खा लेती हूँ, मुझे लग रही है भूख। पर गाइस बहुत से लोग ना ऐसे होते हैं जो मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं कि सोनम व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। मेरे को मेरे बर्थडे पे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स थी कि आप बहुत आगे तक जाओ, मतलब बहुत कुछ, तो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उन्हीं से मतलब उन्हीं की बातों से फ़र्क पड़ता है, मुझे जो बात फालतू बोलते हैं या सोचते हैं उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हम पीरियड चाय और भैया का एक आया है, क्या पार्सल है, लेटर है भाई। कौन सा लेटर है? भाभी ने एकदम खोल दिया भाई, मैं देखूं पहले लेटर कौन सा आया। सही बात है, हमारा आज का दिन इतना बोरिंग सा हो रहा है ना, है ना, है देर हो रही है, तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे लिए। अच्छा बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो एक तो नींद आ रही है और पता नहीं क्यों बोर हो रही हूँ मैं, सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द कर लेंगे पर चाहिए नहीं हमें कुछ। अब मम्मी पता है क्या खा रही है बाहर बैठ के? नाशपाती होगी। याद है वो वो अच्छा वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का तो अच्छा वो है वैष्णो देवी। यार क्या है स्कूल में, सही नहीं है अल्लाह के। अभी आईफोन हाथ से चलाएगी तो सारी हंसी आ जाएगी। मुझे हंसी नहीं आ रही। अरे मम्मी आज रोड मेरे को तो दे दो छील के। अब तोड़ूंगी तभी तो छीलूंगी। चेंज भी हो गई। अखरोट खाने आया, वो देखो वो आते सीधा कनेक्शन। हाँ दे दो दे दो चिज्जी, दे दो चिज्जी, दे दो ऐ चिज्जी खानी है। मैं देख रही थी मूवी बहुत देर से, लेख मूवी गुरनाम बुलर की, और हम मैंने 1.5 घंटे ही देख ली, थोड़ी सी और बची है। बट हम पहले खाना खा लेते हैं, मम्मी ने बनाए हैं दाल चावल, आज सैटरडे है तो ब्लैक वाली दाल बनी है, तो वो खा लेते हैं जल्दी से, फिर आधी जो मूवी बची है वो मैं भाभी बाद में देख लूँगी। मम्मी बना रही हैं क्या, तंदूरी रोटी, वो भी कढ़ाई में। तो अगर किसी को नहीं पता हो कि कढ़ाई में तंदूरी रोटी बन जाती है, ये है रोटी की चीज़, तो अगर किसी को नहीं पता हो तो आप बता देना, मम्मी आपको बता देंगी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इतनी ईजी बनेगी नहीं बट हम बता देंगे अगर आप कहेंगे तो। कि घर की जो तंदूरी रोटी होती है ना वो बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि हम उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और जो बाहर की तंदूर वाली रोटी होती है वो कुछ गंदी मिट्टी वाली भी होती है, मतलब वो जो लगी होती है उसमें तंदूर में साइड में। नहीं, पूरे घर की लाइट्स बंद है, 7 बज गए हैं अभी, मैंने सारे घर की लाइट जलाई है। भाभी बना रही है चाय, वो भी 7 बजे। क्यों खुश हो इतने? बताओ तो क्यों इतने खुश हो? चाय भी पी ली। चाय पीने के लिए आपको खुशी?
मुझे समोसे खाने हैं वो वाले, कुछ नहीं खाने मुझे, खाना है कौन से समोसे खाने हैं? वही वाले जो 1 रुपए वाला आता है, 2 रुपए का हो गया अब। चूरा चूरा फैन भाभी के हाथ की चाय की रेसिपी भी चाहिए हो तो बता देना। सही बात है, मैं उस टाइम बड़ी परेशान परेशान हूँ अभी तक। चाय पी ली है मम्मी, समोसे ले आओ मम्मी को। मैंने लाइट जला दी ना इसलिए। मम्मी आके की जब मेरा सोन का टाइम हिंदी में क्या चादर का तो इधर कर दी है, चादर कर रहा चार रख ली है, एक छोटी सी चादर सारे बात से बुझा दी है चादर की। मेरी बातें हो रही है, मेरी बातें हो रही है। हम चाय पीने वाले थे वहां पर, हम यहीं पे रहे हैं। वो क्यों कूद रहा है? ओ चमोचा लेके कूद रहा है। समोसे खाने का के लो फैन समोसा ना फैन मम्मी समोसे ला दे मेरे फैन को। कपड़े तो तैयार होके दिखाना देख रहे हो गाइस, खुशी 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 गीता कहता तो खुशी कहता। अब देखो खुशी का राज बताती हूँ मैं। और ये है राज, ये है खुशी और ये है राज। एक दिन घूमने के बाद देखो आज दिखाते हैं अखरोट कैसे बनते हैं। सारे वहीं पे बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, ये तोड़ते हैं बनते हैं बनते हैं। अखरोट कैसे निकलते हैं देखो, ये अच्छा निकलते हैं इसके अंदर होते हैं ऐसे। ओह माय गॉड, ये देखो कैसे कॉटन इसके अंदर होते हैं। ये काका देखना कैसे देख रहा है, ये खाएगा 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 देख। और ये घी नहीं खाते, ये छिकल वो नहीं खाते। देख है कितने बढ़िया बढ़िया वैसे साफ सुथरे ना। तो भाभी तो तैयार थी भाई, इनका मुझे पता नहीं क्या प्लान था। वो मुझे कह रही हैं कि चलो अब चलते हैं कहीं, तो मैं तो ऐसे ही जाऊंगी भाई, मैं लोअर टी शर्ट में। हम खाएंगे पिज्जा किंग पे आए हैं। पिज्जा खाएंगे पिज्जा, पहले हम देख लेते हैं मेन्यू कुछ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, आवाज इनकी ढंग से निकल नहीं रही है, इनकी साथ लाई है, कोल्ड हो रहा है। हाँ। हैं कैसे पता? और फास्ट फूड देखो तुसी का कह रहे हैं, ऑर्डर पैक हो गया और हम खाएंगे घर जाकर। घर का यहाँ पर नहीं खा रहे हैं, ठीक है चलो। तो ऑर्डर खा रहे हैं, मम्मी लग रही है भूख बहुत तेज और भैया अभी नहीं आ रहे, मैं तो खा रही हूँ। आ गया खाने आ गया पिज्जा। तबीयत खराब है उसको, पिज्जा मत दो। मैं दे सकती हूँ क्यों। सो गाइस मुझे तो भूख है नहीं अब खाने की, कुछ खाना। और आज के व्लॉग का एंड कर रहे हैं हम यहीं पर, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ओके बाय बाय।